हेलो गाइस, वेलकम ऑन टैलेंटेड इंडिया। और हाजिर हूँ मैं आपके सामने बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास जानकारियां लेकर। हर रोज मैं आपका कनेक्शन करवाती हूँ बॉलीवुड से। तो चलिए चलते हैं बॉलीवुड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनी बहादुरी की वजह से फेमस हुए विंग कमांडर देश के हीरो बन गए हैं। पाकिस्तान की चंगुल से निकलकर आए विंग कमांडर बहादुर अभिनंदन को 15 अगस्त के दिन वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बॉलीवुड ने भारतीय जवानों को सम्मान देने के लिए एक फिल्म बनाने का फैसला लिया है। बता दें, इस फिल्म में अभिनंदन के योगदान की पूरी कहानी को बताया जाएगा। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि विंग कमांडर अभिनंदन की भूमिका कौन निभाएगा, तो आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय को फिल्म बनाने की अनुमति दे दी गई है। बता दें, विंग कमांडर पर फिल्म बनाने को लेकर कई समय से चर्चा हो रही थी। आम लोग भी इस पर चर्चा करते आए हैं कि विंग कमांडर पर फिल्म बनना चाहिए, और अभी यह इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि विंग कमांडर की फिल्म विवेक ओबेरॉय जल्दी बनाएंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर फिल्म बनाने के लिए विवेक ओबेरॉय ने अनुमति ले ली है। अब खबर आ रही है कि फिल्म की शूटिंग 2020 से शुरू होगी। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं में शूट किया जाएगा। जब विवेक ओबेरॉय को फिल्म के बारे में पता चला, तब उन्होंने कहा, एक प्राउड इंडियन, एक देशभक्त और फिल्मों से जुड़े होने के नाते से हमारी यह ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को बताएं कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी बहादुर है। ये फिल्म एक ऐसा महत्वपूर्ँ जरिया है जिससे हम इंडियन आर्मी और जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी और उपलब्धियों को बता सकते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सीमा में घुसने के बाद किस तरह हमारे भारत के विंग कमांडर ने सर्वाइव किया, कैसे वे सब्र से दुश्मनों के सामने डटे रहे और सुरक्षित वापस लौटे, यह सारी बातें लोगों को दिखाना चाहिए। बालाकोट स्ट्राइक भारत की तरफ से की हुई एक वेल प्लांड एयर स्ट्राइक थी। मैं शुक्रगुजार हूं कि IAF ने हम पर भरोसा किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म के साथ न्याय करने में हम सफल होंगे। विवेक ओबेरॉय की यदि बात करें तो साल 2019 की शुरुआत में विवेक ओबेरॉय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार बखूबी निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी नहीं चल पाई थी, क्योंकि लोगों को विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी के किरदार में अच्छे नहीं लगे थे। अब लोगों को विंग कमांडर अभिनंदन की फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। बाहुबली फिल्म प्रभास बॉलीवुड फिल्म साहो का प्रमोशन करने के लिए पूरी टीम के साथ कपिल शर्मा शो पर पहुंचे। शो में प्रभास के साथ श्रद्धा कपूर और लीन नितिन मुकेश भी नजर आए। बता दें, जब प्रभास अपनी टीम के साथ कपिल शर्मा शो पर पहुंचे, तब कपिल शर्मा ने उनसे कई सवाल पूछे। कपिल ने प्रभास से पूछा कि क्या अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या करोगे। प्रभास ने कपिल को बड़ा ही मजेदार जवाब दिया। प्रभास ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में इंटरव्यू बंद करवा दूंगा। जैसे ही प्रभास ने यह जवाब दिया, कपिल शर्मा भी हंस पड़े। कपिल ने प्रभास के बाद श्रद्धा से एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग से पहले आपका पेट खराब हो जाता है। श्रद्धा ने भी सच कह दिया। उन्होंने कहा, हाँ ये सच है। कपिल शर्मा ने फिर कहा, अच्छा श्रद्धा, तभी तुम शो शुरू करने से पहले 3 बार वॉशरूम गई थी। बता दें, साहू फिल्म की पूरी टीम ने कपिल शर्मा शो पर खूब मस्ती की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 30 अगस्त को धमाल करने के लिए तैयार है। फिल्म बड़े बजट की है। खबरों के अनुसार फिल्म का 350 करोड़ रुपए का बजट है। 350 करोड़ रुपए के बजट के बाद अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फिल्म कितनी कमाई करेगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, फिल्म में श्रद्धा कपूर और प्रभास की जोड़ी पहली बार देखी जाएगी। बीते दिनों सिंगर मीका सिंह के कराची में पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार की शादी में गाना गाने का वीडियो सामने आया था। जैसे जैसे भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने लगे, वैसे वैसे लोग मीका सिंह के गाने पर फड़कने लगे। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने मीका पर बैन लगा दिया था। लोगों ने मीका सिंह को सोशल मीडिया पर खूब खरी खोटी सुनाई। यह सब होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीका ने सबसे माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद मीका से बैन हटा दिया गया। बैन तो हटा दिया गया, लेकिन अब बिग बॉस 11 की विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे मीका सिंह के सपोर्ट में आ गई है। शिल्पा के फैन पेज से उनका एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें शिल्पा मीका सिंह के सपोर्ट में बोलती नजर आ रही हैं। शिल्पा ने कहा, पाजी आपने कोई गलती नहीं की है, ना ही कोई आपको बैन कर सकता है। ये बैन शब्द बिल्कुल गलत है। सुरेश गुप्ता जैसे कई गुप्ता पड़े हैं, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। आपका हक है,
आपको कोई बैन नहीं कर सकता। इंडस्ट्री में जो बैन कर रहा है वो नॉनसेंस है। इन सब चीजों पे मत जाइए, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ काम करूंगी। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आपके साथ, देखिए हमारी पूरी वीडियो में कि शिल्पा शिंदे ने और आगे क्या क्या कहा मीका सिंह के सपोर्ट में। बाजी सत श्री अकाल, ये खास आपके लिए वीडियो है। आपने कोई गलती नहीं की है और ना ही कोई आपको बैन कर सकता है, ठीक है। बैन शब्द बिल्कुल गलत है, ठीक है। और ये जो सुरेश गुप्ता, ऐसे बहुत सारे गुप्ता गुप्ता पड़े हुए हैं, इनकी कोई अपनी वजूद नहीं है। इनको बोलो सीनियर आर्टिस्ट वर्कर्स एसोसिएशन को अपने वर्कर्स के लिए कुछ करे, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोके, ना कि आप पे बैन लगाए, ठीक है। आपका हक है, आपको कोई बैन नहीं कर सकता, किसी को भी कोई बैन नहीं कर सकता। ये जो इंडस्ट्री में बैन वर्ड यूज़ करते हैं ये नॉनसेंस है, ठीक है। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो देश में लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो चल रहा है, हमें वीज़ा मिला, हम गए, हमारी दोस्ती है, हम उसको बिल्कुल निभाएंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और हिंदुस्तान में हम सबको हम सबके लिए हमारा दिल खुला है और हमारा दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों पे मत जाइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ काम करूँगी और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आपके साथ काम करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है, रोक के दिखाए, ठीक है। वैसे आपको काम देना है तो आप दे सकते हो, चलते फट्टे। फिल्म इंडस्ट्री के स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो कपिल शर्मा के लिए तो सोशल मीडिया पर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने 22 अगस्त के दिन कुछ ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद वे सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो गए। दरअसल कपिल ने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वे लोगों से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की सभी से अपील कर रहे हैं, लेकिन कपिल का यह वीडियो कई लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों ने कपिल पर आरोप लगाया कि वे अपने राज्य के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। बता दें इस वक्त देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, इनमें पंजाब के साथ हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्य शामिल हैं। बता दें कपिल के आए इस वीडियो में कपिल ने सिर्फ पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगी है, लेकिन एक और वीडियो कपिल ने शेयर किया है जिसमें वे महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए भी मदद मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी सोशल मीडिया पर आलोचना की। देखिए हमारी दोनों वीडियोस में कि आखिर कपिल ने मदद की लोगों से क्या गुहार लगाई। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब के बहुत सारे परिवार इस समय बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके हैं, सारी फसलें तहस नहस हो चुकी हैं। इस समय उन सब लोगों को जिनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको हमारे साथ की बहुत ज़रूरत है। इस मुश्किल घड़ी में हम सबका फर्ज बनता है कि एक पारिवारिक सदस्य की तरह उनकी मदद के लिए आगे आएं। आपकी ज़रा सी कोशिश उन हजारों चेहरों पर वापस मुस्कान ला सकती है। सो इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, जिनमें से खालसा एड जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप चाहें तो उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आपसे जो भी बन सके, जितना भी बन सके, अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सहायता जरूर करें। धन्यवाद। बता दें कपिल ने दो वीडियो शेयर किए थे जिसमें एक में वे पंजाब के बाढ़ पीड़ितों और एक वीडियो में महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगते नजर आ रहे हैं। बता दें कपिल अपने शो के चलते सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश की वजह से महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिस वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, उनको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में जरूरत है उनके साथ खड़े होने की। आपकी जरा सी मदद उनके लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। आप जो भी चाहें, जितना भी चाहें, अपनी क्षमता के अनुसार इन परिवारों की मदद कर सकते हैं और उनके चेहरों पे वापस मुस्कान ला सकते हैं। धन्यवाद। मलजावा से सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख का नया लुक सामने आ गया है। फिल्म है एक्शन लव स्टोरी ड्रामा। इस एक्शन लव के ड्रामे में लोगों को यह पोस्टर जरूर पसंद आएगा। इस पोस्टर में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक जंग के मैदान में नजर आ रहे हैं। उनका यह लुक काफी ठासू लग रहा है। पोस्टर में कहीं न कहीं वे गुस्से में नजर आ रहे हैं। उसके अलावा रितेश देशमुख की यदि बात करें तो पोस्टर में रितेश बौने इंसान के रूप में नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में बंदूक है और वे सिद्धार्थ का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पोस्टर में दोनों के आसपास आग लगी हुई है और रावण का पुतला भी नजर आ रहा है। बता दें आज फिल्म मरजावा के 3 पोस्टर रिलीज किए गए हैं। रितेश देशमुख का पोस्टर सबसे पहले रिलीज किया गया जिसमें पोस्टर के साथ एक कैप्शन लिखा है, जिसे हर चीज की हाइट बताने का बड़ा शौक है ना, तुझे आज पता चलेगा बदले की हाइट क्या होती है। इसके साथ ही इस पोस्टर की टैगलाइन है, कमीने पेन की हाइट 3 फुट। एक और पोस्टर में लिखा हुआ है कि तेरी जान उड़वाऊंगा जद से, तेरे 3 फुट के कद से। फिल्म एक्शन लव ड्रामा पर आधारित है जिसमें सिद्धार्थ और रितेश की जंग होगी।
देखिए हमारी पूरी खबर में क्या आखिर इस फिल्म में और क्या क्या होने वाला है। बता दें इस फिल्म में रितेश एक बौने की भूमिका निभा रहे हैं। रितेश ने अपने घुटनों के बल बैठकर फिल्म को शूट किया है। बता दें कि ये सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख की साथ में दूसरी फिल्म है। इस फिल्म के पहले दोनों एक्टर्स ने साल 2013 में आई फिल्म एक विलन में साथ काम किया था। फिल्म मरजावा में एक्ट्रेस तारा सुतारिया रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में नजर आएगी। ये फिल्म 22 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। तो ऐसी खबरों से हम आपको हर रोज रूबरू करवाते रहेंगे और सीधे कनेक्शन करवाते रहेंगे आपका बॉलीवुड से। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।